रानी अब सीमा लाएगा कैसे लग रहा होता है सच बता। वाओ कितना दिन ऐसे लग रहा कि 7 दिन के लिए घूमने गया था, लग रहा 10 साल बाद आ रहा है हम लोग के पास। अपने 7 साल मतलब 7000 साल जैसे लग रहा है। इस 7 दिन कैसा लगा? बस लग रहा है कि 7 जन्म के बाद मिल रहा है। बाप रे सच में। सो हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और हमारे मतलब हमारे क्या चैमासा आए हैं मम्मी घर, जैसे कि आप लोगों को पता है अच्छी तरह से। और सिमल 4-5 दिन से अपने दोस्त घर में है, वहाँ पार्टी इंजॉय, यानी कि थोड़ा बाहर देश गया है, मतलब बाहर किस देश बोलेंगे, वो कहीं गया है दोस्त लोगों के साथ, मतलब एक होता ना ग्रुप, लड़का ग्रुप, उस तरह वो घूमने गया है। तो इसीलिए आप लोगों को शायद वो नहीं दिख रहा होगा शॉर्ट वूट में, तो आप लोग बहुत सारा जज कर रहे हो, तो बिना समझे बिना जाने जज मत करो उल्टा फुल्टा, और है ना करते वो तो जितना भी बोलो लोगों को कि जज मत करो उल्टा फुल्टा, फिर भी जज करने लग जाते हैं। क्योंकि होता है ना एक दोस्त के साथ भी हम लोग घूमने जाए, अभी तो सावन का महीना है, केदारनाथ बहुत बाहर बाहर देश सब जा रहे हैं घूमने फ्रेंड लोगों के साथ शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। आप लोगों को तो पता है सावन में हमेशा अच्छा अच्छा सोचो, शिव जी सबको अच्छा करेगा बोलते हैं, वही करो। और क्या बोले अभी तो है नहीं, हम लोग तो घर में तो बोर हो रहे हैं, हम लोग तो आज हम लोग इतना बोर हो रहे हैं ना क्या ही बोले, ऐसे लग रहा है कि घर से ऐसे लग रहा है सीमल घर पे नहीं है, तो ऐसे लग रहा कोई है ही नहीं हम लोग का घर पे, पर वो तो घूमने गया, घूमने मज़े हैं और फ़ोन ऑन कर रहे, फ़ोन से बात तो कर रहे हम लोग। अभी आएगा 2-4-5 दिन में आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। बोलते ना घर में चहकना, जैसे सीमल हमको बोलता है दीदी अगर तुम नहीं रहती तो घर में मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे मेरा भाई मेरा नहीं रहता साथ में तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो तो अपने दोस्त के साथ मज़े कर रहे और हम इधर अकेले। कौन मेरा बेटी? अरे तो सीमल का दोस्त है यहाँ पे बहुत, उसका देखिए सीमल का दोस्त सीमल जैसे दिख रहा है ना पूरा सीम सीमल का बेस्ट फ्रेंड है। हाँ और इसको देखो ये तो अलग खल दिन भर चिल्लाते रहती आ आ, इसको जमीन में सुला दिया, खेल रहा है मजे से। और पीहू उधर पीहू खड़ी है, अभी उसकी मम्मी गई है मनीषा को लाने, मनीषा नाश्ता कर रही है होटल में, तो मनीषा को लेकर आएगी, रानी गुजरी गई है जस्ट, और मम्मी बैठी है बगल में सोमनाथ भी आया है गाइस, इंट्रोटेशन हेलो इंट्रोटेशन देगा, इंट्रोटेक्शन देगा ये इंट्रोटेक्शन, इट्स नो सीमल को सोमनाथ को छोड़ के सीमल पूरा घूम रहा मजे से। हाँ सही बोला, घूमने गया बात हम भी जाएंगे, रुको उसको छोड़ के जाएंगे, वो भी रोएगा क्या हम लोग कैसे। तो गाइस मज़ा तो नहीं आ रहा, फिर भी क्या करें, अब वो अपने दोस्त के साथ मगन है, तो हम लोग सोचे कि चलो घूमना भी चाहिए, बच्चा हाँ। घर पे कितना अकेले रहेगा। हाँ सब मतलब माइंड फ्रेश रहेगा, शायद घर की जिम्मेवारी या फिर टेंशन से होगा सब घूमने के। हाँ अरे मम्मी को जाने को रो रही है, इसका मम्मी तो आ भी नहीं रही है, इसका मम्मी कहाँ भाग गई है। हाँ भाग गई है। हाँ मनीषा मौसी घर भाग गई है, आएगी अभी मनीषा के साथ, आ रही है नहीं आ रही है। तो गाइस हम जा रहे हैं, पूजा को फोन करते हैं, इसका बेटी रो रही है। और ये हम लोग मास्टर कुक लेकर कुक लेकर आए हैं खाना बनाने के लिए, कुक कमी पड़ गया था, दीदी इतना टेस्टी बनाती है हमसे सब्जी बनवा रही है पता नहीं फिर कल मिले या ना मिले। ये देखो रोना चालू हो गया, क्या मम्मी को फोन करे? हाँ जोकर वाला कहानी सुनना है ना, एक तो जोकर था पता ना अभी नदी में नहा रहा, अभी उसको चोट लगा, अभी पट्टी बांधेगा, डॉक्टर पास नहीं जाएगा तब ना कहानी, पहले नहाने तो दो ढंग से जोकर को। पीहू को कहानी बहुत पसंद है, वो बैठा के दिन भर कहानी सुनो, बैठा के दिन भर कहानी सुनते रहेगी। अभी जोकर नहा रहा है ना, चले गाइस हम फोन करते हैं, है कहाँ अभी पता चलेगा, क्योंकि मनीषा के साथ में वो लोग हैं ना, इसीलिए मनीषा नाश्ता कर रही है। तो गाइस गुड मॉर्निंग आप सबको, तो हम ब्लॉग कल नहीं बना पाए थे इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी था, और बहुत अच्छा लग रहा था घूमने फिरने में, हम लोग कल बहुत ज़्यादा घूमे इंजॉय किए, पर ब्लॉग नहीं बना रहे थे, हमको ना आजकल ना ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन और इच्छा नहीं करता है। सो गाइस पता नहीं हम ब्लॉग बनाते बनाते मेरा फ़ोन का बीमारी क्या है पता नहीं, आईफोन का, कि ब्लॉग बनाते बनाते हमारा वॉइस रुक जाता है समझ में नहीं, तो फिर पीछे से फिर वॉइस करना पड़ता है,
और मम्मी को मैं बोल रही थी मम्मी हटो ना तुम कहाँ डिस्टर्ब कर रहा, तो मम्मी बोल रही कि हमको बर्तन सरिया रहा है, मुझे बर्तन सरियाने दो। तो मुझे बहुत जोर हंसी आ रहा था। फिर उसके बाद मैं नीचे भी देख रहा था मम्मी को मैं, और बगल में उसका दोस्त था, बगल में उसका दोस्त बता रहा कि सीमल आने वाला है, सीमल से मिले है। तो हम लोग को इतनी खुशी कि क्या ही बोल। नहीं हाँ मिले, मिल के बात करके हम लोग आ रहे हैं, सीमल आने वाला है। तो कितनी खुशी, साथ इतना दिन के बाद वो गया था और उसके बाद वो आ रहा है सार। और ये अंकिता पता नहीं क्या चबर चबर कर रही है, हम बात भूल गए। और मेरी माँ तो एलगी स्टाइल देखी और पीछे में क्या कर रही है, कमर में खोस रही है। मम्मी को बोल रहे हटो हटो, हटी नहीं रही है मम्मी। फिर जा रही थी तो अचानक से हम हाथ पकड़े, फिर उसके बाद उसको बिठा दिए वहाँ पे। तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा ये ब्लॉग, बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को, घर फैमिली वाला ब्लॉग। आप लोगों को तो पता हमारा फैमिली वाला ब्लॉग बहुत प्यारा ब्लॉग बनता है। तो उसके बाद और क्या बताऊँ, मम्मी मेरे को पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, बोलता है कि मेरा बेटा ये लोग खाएगा, मेरा बेटा खर्चा करेगा। हाँ दीदी लोग खाएगा, ये बोल रहा कि दीदी लोग बड़ी है, दीदी लोग को खाना चाहिए, ऐसे ऐसे खर्चा करना चाहिए, ऐसी बोल रही थी शायद, मैं भूल गई। काश ब्लॉग पूरा आपको सुना देता तो अच्छा लगता, हमें भी अच्छा लगता। और अंकिता देख सकते हैं एक एक नीमकी उठा उठा के काट रही है। उसका भाई का खुशी से देख सकते हैं कितना प्यारा छोटा बारीक बारीक नीमकी कटा। और पता नहीं खाने में कैसे लगेगा, अभी नमक वमक डाली थी ना। अच्छा खा के देखना। वो बोल रही कि हम लोग क्या बोली, हम लोग खा के जाएंगे, दे के नहीं जाएंगे बोल रहा, पता नहीं कुछ बोल रही थी। फिर मम्मी भी कुछ बोल रही थी कि मुझे उतना याद नहीं, पर कुछ बोल रही थी। अब ब्लॉग आप पूरा सुनते तो बहुत मज़ा आता, कॉमेडी कॉमेडी माँ करती है। और देखिए हम लोग हंसे इसीलिए, कुछ मम्मी फ़नी बात बोली हुई तभी हम लोग हंसे इतना ज़्यादा। पता नहीं फ़ोन का क्या, जो आईफोन का अचानक से रुक जाता है, फिर बाद में बैक पीछे तरफ से बोलना पड़ता है हम लोगों को। और क्या ही बोले कि हाँ जो भी जैसा भी मुझे जो हुआ था मैं वही बोल दे रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड बताइए, इतना लंबा ब्लॉग तो बना लिए लेकिन इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल लगता है कभी कभी हमको। तो इसीलिए मेरा वन प्लस वेस्ट फ्रॉन है, आईफोन से अच्छा तो मुझे वन प्लस लगता है कि आईफोन तो भाई ये सो के लिए है, सो के लिए, दिखावा के लिए। और मुझे मैं तो एक बात बताना चाहती हूँ, मैं जितना भी शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ सब मैं अपना आईफोन से नहीं, सब मेरा वन प्लस से बनाती हूँ, क्योंकि उसमें समझ में आता है। इसका तो पता नहीं कितना बड़ा बड़ा सेटिंग है, समझ में नहीं आता है। तो गाइस एकदम बारिश की मौसम, एकदम ठंडी ठंडी मौसम किया है चैवासा में, कुछ बता ही नहीं सकते। इतना खूबसूरत मौसम, धूप दे रहा, छाव दे रहा, धूप दे रहा, छाव दे रहा, बारिश हो रहा, और बादल कितना प्यारा कि आप लोग देख सकते, कैमरा में ही देख सकते। हाँ रात में तो आज पूरा खून चूसा है फ्रेंड, जानते हो लाइट नहीं था रात भर हम लोग को घर पे, पूरा एकदम खून ऐसे छटपटार लग रहा है कि कैसे कोई हम लोग इतने साल का खून ले के चलेगी। इतना सारा खाना खाना क्योंकि 24 घंटा जो सामने रहने वाला, अच्छा मतलब चले जाएगा और फिर वापस मतलब बुलाने से भी नहीं आ रहा, तो फिर लगेगा ना कि 7000 साल बाद में सेम एकदम बोले कि मूवी की तरह हो गया है इसमें, मूवी की तरह अगर बनाएगा स्टोरी बन जाएगा एकदम, बनाने बैठेगा कैमरा। हाँ हम लोग 7 दिन से अपने सब हम लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे, लेकिन उसका मुंह नहीं देखा अभी तक हम लोग। सच में आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को सच में। पूरा घूम रहा है, फिर रहा है, मस्ती कर रहा है, हम लोग और थोड़ा सोच रहा है, और हम लोग परेशान हो रहे जो। हाँ वो तो है, हम लोग तो चिंता खाए जा रहा है वो। और आप लोग देख रहे हैं कि वीडियो भी नहीं बना रहा है वो, अभी आप लोग हमको पता है फोन के छोड़ के गया है साथ में, पहली बार फोन छोड़ गया, नहीं तो ऐसा लड़का है ना मोबाइल छोड़ के जाने वाला नहीं है। क्या है ना रानी का फोन खराब है ऑलरेडी, और रानी का फोन क्या हो गया पता नहीं, काला काला हो गया पूरा दिखता है, इसलिए वो छोड़ के गया कि ये बोर ना हो। और हम लोग को यहाँ भेज दिया इसको देखने के लिए, भाग जाएगा बोल के हम लोग को बॉडी गार्ड छोड़ के गया है गाइस, भाग जाएंगे अपने मम्मी घर बोल के, मतलब दीदी है, पूजा दीदी है, अंकिता दीदी है, फिर मम्मी है, फिर चाचा है, या सबको मेरी इतना जाना। तुम तो रानी बन गई है सबका। तो गाइस चलिए, कैसा लगा ब्लॉग, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। हां मोती क्या मिला दिखा दे, मोती तब चलो बेच के करोड़पति बन जाएंगे, चलो चलो।